दौसा जिले से आ रही है, जहां पर डॉक्टर सुनील कट्टा के द्वारा दलित युवक को प्रताड़ित करने के मामले को लेकर के अब करनी सेना आज्ञा की भी नजर आ रही है। तो देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। बांदीकुई के चर्चे दलित प्रताड़ना वे डॉक्टर सुनील कट्टा मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। दलित को न्याय दिलाने के लिए करनी सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। करनी सेना ने राजपूत लोकमान्य सिंह को डॉक्टर सुनील कट्टा द्वारा माता और बहनों को गाली द्वारा अपमानित करने में, वाल्मीकि समाज के मुन्ना हरिजन को जाति सूचक शब्दों के द्वारा अपमानित करने पर न्याय दिलाने के लिए पूरे शहर में जुलूस निकाला गया। पुलिस थाने पहुँच करके सत्यता से अनुसंधान करने के लिए कहा। वह उपखंड कार्यालय पहुंचकर बांदीकुई उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा और न्याय नहीं मिलने पर जयपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री का घेराव करने की चेतावनी दी। थोड़ा सा देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, हाँ, दोनों पे भी गरीब दलित और शोषित की आवाज जहाँ पे दबाई जाती है वहाँ पे श्री राजपूत करनी सेना हमेशा उस गरीब दलित और शोषित के साथ हमेशा खड़ी रहती है। आज ऐसा ही मुद्दा बांदीकुई में नजर आया। 12 तारीख की ये घटना है, 10-12 दिन इस घटना को हो चुके हैं, शासन प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये हमारे संज्ञान में आया, संज्ञान में आने के बाद श्री राजपूत करनी सेना पूरी तरीके से मैदान में आ चुकी है और हमें जहाँ तक इसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी हमारी हर स्तर की लड़ाई लड़ेंगे और मुन्ना हरिजन जी को न्याय दिलाएंगे। चाहे हमें दौसा कलेक्ट्री पे ज्ञापन देना पड़े, चाहे हमें राजस्थान विधानसभा मुख्यमंत्री जी गहलोत का घेराव करना पड़े, हम उसको करने के लिए तैयार हैं। श्री राजपूत करनी सेना हमेशा गरीब दलित और शोषित के साथ खड़ी रहेगी। चलने की भी मांग की है, जगह मांगी है, क्या कहा है SDM साहब ने? अभी हमें कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया है। हमने 3 दिन से फाइल लगाई हुई है, साहब को ज्ञापन दिया हुआ है कि हमें शांतिपूर्ण धरने की परमिशन दी जाए, साहब अभी कोई हमें जगह नहीं दे रहे हैं। ये दुर्भाग्य मानता हूँ मैं यहाँ की व्यवस्था का, प्रशासन का, कि जो इस देश में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज़ को अपनी बात को नहीं रख सकता, तो यहाँ का प्रशासन पूरी तरह विफल है और मैं ऐसे प्रशासन की पूर्णतः निंदा करता हूँ और अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम दौसा कलेक्ट्री कूच करने के लिए तैयार। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।